নদীয় সাগরে গিয়ে মেশে শুধু হৃদয়ে অনুরাগ শেষ হবে না জন্মভূমিকে ভালোবেসে এলিজাবেথ ব্রুনার জন্ম হাঙ্গরি মে জীবন ভারত মে আজ वे विश्व स्तर की ऐसी भारतीय जीवंत चित्रकार हैं जिन्होंने जल रंग चित्रकला और बंगाल शैली को विश्व की प्रमुख कला पंक्ति में पहुंचा दिया है। वयोवृद्ध एलिजाबेथ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रिय शिष्याओं में से एक हैं। वे बीसी सान्याल और यामिनी रॉय की समकालीन हैं। हाल ही में उनकी सुदीर्घ कला साधना को नई दिल्ली स्थित हंगरी के राजदूतावास में समादृत किया गया और पिछले 6-7 दशक पहले के उनके यादगार चित्रों की प्रदर्शनी हुई। साकार को कैनवस पर उतारने का एक ही आधार है और वो है यथार्थ के विविध पक्षों का एकत्व। एलिजाबेथ ब्रूनर ने यही किया है। जिस शांति निकेतन में वे रहीं उस पर सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और दार्शनिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान एक रूपक के तौर पर कहा था कि सापेक्षता के मेरे सिद्धांत का अगर कोई दृश्य है तो वो है रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित शांति निकेतन, जिसने हमें एलिजाबेथ ब्रूनर जैसी सिद्ध चित्रकार दी है। कला आदमी के लिए जरूरी है क्योंकि उसका एक सामाजिक कर्म होता है और एलिजाबेथ ब्रूनर अपने पारदर्शी रंग द्रव्यों के माध्यम से उस कला को पूरी स्पष्टता से निभाती हैं। उनके चित्रों में प्रकृति की लय, ताल, शैली है और एक तत्कालीन सभ्यता है। उनके रंगों का चयन रोशनी और आंख के रिश्तों पर आधारित है। यही तो होता है सौंदर्य बोध। एलिजाबेथ ने बहुत से पोर्ट्रेट्स भी बनाए हैं जो फलक विभाजन की सूक्ष्मता की मिसाल माने जाते हैं। इस अंक के कला विश्लेषक बलदेव शर्मा का मानना है कि आज बंगाल स्कूल इसलिए लुप्त सा होता दिखाई पड़ता है क्योंकि आज का चित्रकार जल रंगों से बचता है। जितनी स्पष्टता जल रंग चित्र मांगते हैं उतनी क्षमता उनमें दिखाई नहीं पड़ती। एलिजाबेथ का कला कर्म कई पीढ़ियों तक कला के आदर्शों की याद दिलाता रहेगा। उन्हें बधाई देने वालों में सोच विचार और कला क्षेत्र के कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित थीं। इट्स अ ग्रेट ऑनर to entire country of India. And we are really very proud that a citizen of India, a citizen of entire world, of human family, Elizabeth, is being honored by this great award of the Hungarian government. We are indeed very proud of this occasion. I believe, whether rationally or not so rationally, that Hungary and India have
vibes, as they're called, vibrations, which are always and have been positive, despite the great political divide of some centuries or periods. And in that, there have been the Chomas, there have been many people who have come from Hungary, and perhaps some of us did go to Hungary, gypsies, Balaton, Lake, etc., etc. So to that Elizabeth, who has been the great bridge maker of cultures. Oh, darling, but that you keep for yourself. Our friends, nothing is left for me to say. When Elizabeth is sitting here, and you have said what best we could have said about her, I'm very happy. I've known her when she was a young girl, I was a young boy. एलिजाबेथ ब्रूनर को सुनना भी एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे वार्ताकार विजेता ने उनसे पूछा, कैन यू टेल अस अबाउट द डेज व्हेन यू वर एट शांतिनिकेतन विद रवींद्रनाथ ठाकुर एंड हाउ डिड यू फील अबाउट दोज डेज? It is like remembering the most beautiful period of my life. I was young and very sensitive, and he looked like if he would have walked down from heaven to earth. And I watched him from far from me, and every expression remained written in my soul. And then one day I found that this was the real Gurudev. And then I ran for my painting material and climbed through the window to his room. And on the ground I started to paint him. He didn't notice me. He was so involved in his own creation. And that is the painting I have exhibited today.